ग्रीस में संसद के सामने भारी बवाल मचा हुआ है। हजारों लोगों ने राजधानी एथेंस में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है, तो वहीं ग्रीस के थेसालोनिकी शहर में लोगों ने अपना काम रोककर 24 घंटे का स्ट्राइक किया है। बताया जा रहा है कि ग्रीस में इन विरोधों के चलते हॉस्पिटल, ट्रैफिक और स्कूल की सेवाएं पूरी तरीके से बाधित रही है। बता दें कि महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। देश में महंगाई के चलते लोगों ने संसद के सामने जमकर पेट्रोल पंप फेंके हैं।